हरी ही ओम नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल महेश सुता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 19 मई को शनि जयंती आ रही है। पुराणों के अनुसार शनि जयंती का महत्व बहुत अधिक होता है। शनि देव हमें हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। इस दिन यदि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए उपाय या उनकी आराधना की जाए तो उसका फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। साढ़े साथी ढैया के अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप भी कुंडली में शनि के अशुभ प्रभाव, साढ़े साथी या ढैया के चलते करियर या जॉब में आ रही मुसीबतों से परेशान हैं या धन की समस्या से परेशान हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं एक बेहद आसान और अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और करियर संबंधी, धन संबंधी परेशानियां जीवन से दूर होने लगती हैं। पर उससे पहले जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें, ताकि मेरे YouTube चैनल की नई वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाए। धन की समस्या से अगर आप परेशान हैं, करियर आपका बन नहीं रहा है, घर में धन टिकता नहीं है या धन आने के सब मार्ग बंद दिखाई दे रहे हैं, जॉब को लेकर समस्याएं हैं, जितना पैसा आता है उससे दुगना खर्च हो रहा है, तो ये उपाय शनि जयंती पर करके देखें। आपको शनि जयंती के दिन 10 बादाम लेने हैं और उनको किसी मंदिर में हनुमान जी के आगे रख देना है और वहाँ बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। घर आने के समय उन 10 बादामों में से 5 बादाम आपको घर लेते आने हैं और बाकी के 5 बादाम हनुमान जी को अर्पित कर देने हैं। फिर घर लाए हुए 5 बादामों को किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर उस स्थान पर रखना है जहां आप अपना धन रखते हैं। इस उपाय से आपके घर में धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, करियर अच्छा होने लगता है और शनि देव की कृपा बरसने लगती है। धन्यवाद। हरि ओम।